अस्सलाम वालेकुम, रहमानी न्यूज के साथ मैं हूं नदीम रहमानी। खबर शामिल करते हैं चांगा मांगा से, जहां 7 माह कबल अनायत के कारण लाखों रुपए नकदी और 23.5 तोले तलाई जेवरात की वारदात करने वाले मुलजमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा अफराद थाने और DSP ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। तफसीलात के मुताबिक चांगा मांगा नई आबादी के रहायशी, अनायत तरीके का 7 माह कबल 3 मुसल्ला डाकू दिन दहाड़े दाखिल हो गए, जिन्होंने गन पॉइंट पर पूरी फैमिली को यरगमाल बना लिया। बड़ों बच्चों और खवातीन को कमरे में बंद करके तशद्दुद करते रहे। पुलिस ने बार वक्त कार्रवाई करते हुए नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजमान अभी तक ट्रेस नहीं हो सके। मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO शेखपुरा, DPO कसूर से फौरी मुलजमान को ट्रेस करके इनकी गिरफ्तारी और माल मसरूका की रिकवरी का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं महर अली गुलशन से। जी महर अली जी, चांगा मांगा में 7वां कबल अनायत अली रहमानी के घर में लाखों रुपए नकदी रकम और 30 तोले तलाई जेवरात की वारदात करने वाले मुलजमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा अफराद थाने और DSP ऑफिस चूनिया के चक्कर लगा कर थक गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। तफसीलात के मुताबिक छांगा मांगा नई आबादी के रहशी अनायत अली रहमानी के घर में 7 माह कबल 3 मुसल्ला अफराद डाकू असला लेकर दिन दहाड़े घर में दाखिल हो गए थे, जिन्होंने गन पॉइंट पर पूरी फैमिली को यरगमाल बना लिया था। बड़ों बच्चों और खवातीन पर कमरे में बंद करके वहशियाना तशद्दुद करते रहे थे। असला के जोर पर 6,50,000 रुपये नकदी रकम, 23.5 तोले सोने के जेवरात और 7 तोले चांदी के जेवरात लूट कर असला लहराते हुए फरार हो गए थे। सबका SHO थाना चांगा मांगा कामरान शहजाद सिद्धू ने मुकदमा नंबर 402/20 दर्ज किया, लेकिन मुलजमान को ट्रेस करने में नाकाम रहे। मुतासरा अफराद ने इंसाफ के लिए 5574 थाना चांगा मांगा और DSP ऑफिस चूनिया के लगाए। इन्हें बारहा लॉलीपॉप देकर रखा दिया गया और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO शेखुपुरा रेंज और DPO कसूर से फौरी मुलजमान को ट्रेस करके इनकी गिरफ्तारी और माल मसरूका की रिकवरी का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मेर अली गुलशन, तस्वीर रिपोर्टर रहमानी न्यूज़ चूनिया। जी महर अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का।